मैं मोहम्मद अशमत अली, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा, को मीडिया इंचार्ज और बहादुरपुरा को इंचार्ज। आज हम जो है बीजेपी से रिज़ाइन दे रहे हैं माइनॉरिटी मोर्चे से, और हम जो है MIN ज्वाइन कर रहे हैं। ये इसकी वजह जो है हमारे जो है स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा अफसर पाशा है इसके रास्त जिम्मेदार, और हैदराबाद MP कैंडिडेट जो है माधवी लता मैडम के जो है प्रभारी तौसीफ अब्बास, जो नॉन स्टॉप जो है कुछ इश्यूज है, हम वो फर्दर हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड किए, लेकिन हमको कोई नो रिस्पांस है। तो कुछ वजूहत है जो हम आने वाले वक्त में बताएंगे, लेकिन ये अफसर पाशा माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट और तौसीफ अब्बास और भी कुछ लोग हैं जो BJP को डैमेज कर रहे हैं, आने वाले वक्त में पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है राइटिंग में भी दिए और जो है मैसेजेस कंटिन्यू करने के बाद भी जो है उन्होंने रिस्पांस है। उसकी वजह से आज हम जो है हमारी अपनी पर्सनल खुशी से, किसी का कोई जो है हमारे पे नो प्रेशर, मेरे साथ में हमारे शेख मोहम्मद साहब है, स्टेट एग्जीक्यूटिव थे, यहाँ पर शेख अपने मोहम्मद जो है मदर भाई है, उन्होंने भी जो है बहादुरपुर से ताल्लुक रखते कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने भी जो है को इंचार्ज बहादुरपुरा थे। आज हम हमारी मर्जी से पूरे जने जो है MIN ज्वाइन कर रहे हैं। इसके रास्त जिम्मेदार जो है अफसर पाशा और तौसीफ अब्बास है, जो माइनॉरिटी मोर्चे को पूरा डैमेज किया जा रहा है। हम कई दफ़े वो चीज़ को नॉलेज में लाए, लेकिन वो जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। लिहाजा हमको जो है डेवलपमेंट चाहिए, हमको काम चाहिए, हमारे को जो है हमारा ये पुराना शहर डेवलप होना है। हम हमारी मर्जी से हम जो है आज MIN ज्वाइन कर रहे हैं। आइए सुबह दरअसल भाई सर, आपसे चंद सवाल आते हैं हमारे, आपसे थोड़ा खोल कर। आप अभी बताएं कि चंद नाम लिए आप जो कुछ लोग के जो डैमेज किए, डैमेज किस बात से किए? वो इंटरनल है, हम हायर अथॉरिटीज को जो है उसको फॉरवर्ड किए हुए हैं, आने वाले वक्त में हम बताएंगे। तो नहीं बताए, पहले भी आप ये बोले थे कि हम लोग हैदराबाद की तरक्की और उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे को जो है अभी भी जो है। तो आपको कैसा महसूस हुआ, BJP तरक्की नहीं करेगी, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं लेके आएगी, इसके लिए आप MIN में गए? इसमें देखिए क्या है, अगर नीचे से ग्राउंड से जो है अगर कोई पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और जो है हायर अथॉरिटीज को जो है नॉलेज में लाने के बाद भी अगर जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, तो रास्त जिम्मेदार स्टेट लेवल होता जी, तो वही वजह है मैं आपको जो बता रहा हूँ। सर आप काफ़ी BJP के रैलियों में आप लोग सुर्खियों में रहे हैं और माशाल्लाह टोपियाँ लगा के थे हमारे भाई, लेकिन उसके बावजूद आप इतना होते हुए आखिरी टाइम पे पार्टी चेंज करने की वजह क्या है? आखिरी टाइम की बात नहीं है, ये जो है कुछ जिम्मेदारी होती, वो जो जिम्मेदारी जो है जो लोग नहीं निभाए तो उसकी जिम्मेदारी हमने लेना चाह रहे हैं। हम ऑलरेडी हमारे मैसेजेस में जो है डैमेज बोल के जो है हम ऑलरेडी मैडम को भी जो है मैसेज किए हुए हैं, अगर वो मैडम अगर डैमेज होना चाह रहे हैं तो वो मैडम जिम्मेदार है, पार्टी जिम्मेदार है। तो आपको MIN की तरफ से कोई आपको बुलाया गया कि कोई प्रेशर वगैरह के ऊपर पड़ा गया कुछ ऐसा? हमारे से जो है MLA चेयरमैन और जुल्फिकार साहब आए थे और सारे लोग आए थे MIN से, हमारे जैसा शाहिद साहब ठहरे हुए, हबीब साहब ठहरे हुए, आशीष साहब ठहरे हुए, काफ़ी हमारे सामने जो है जिनके दादा जो है साबिका का काउंसलर है, मन्नान साहब है, अस्सू भाई वगैरह, उनके पूरे काफ़ी जो है भाया पूरे जने थे, जो तो थोड़ी देर पहले की वीडियो है मैं आपको प्ले करूँगा। उन्होंने आए आके जो है हमारे को जो है आगे के ताल्लुक से, डेवलपमेंट के ताल्लुक से हमारे को जो है। तो आपको तौखुन दिलाया गया कि हैदराबाद में डेवलपमेंट होगा MIN की जानिब से, या BJP नहीं करना चाह रही है डेवलपमेंट इसके, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाए हुए थे BJP को लेके, माधुरी दत्ता को लेके, हर जगह पर हर वक्त पे
यहाँ पर हैदराबाद में लेके आके उनके जलसे जुलूस वगैरह हर चीज कराते हुए परसों मोगलपुर में भी आपने करवाया है, लेकिन उसके बावजूद आज आप वो पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई ऐसी बात है? किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। हम हमारे जो है मर्जी से, हमारे दिल के जो है गहराइयों से हम जो है एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिल की गहराइयां पहले नहीं थे आपके, अभी अभी हो गए आपके दिल के गहराइयां? पहले आपको एमआईएम से इतनी मोहब्बत नहीं थी क्या? फिर हमारी लड़ाई चल रही है 21 साल से जी। अगर मैं आपको पिछले टाइम से बता लेता हूँ तो 21 साल से चल रही है। मैं सीपीआई सीपीएम ज्वाइन किया, 17 ईयर्स, 4 इलेक्शन लड़ा मैं। उसके बाद में जो है वो एश्योरेंस दी गए, उस पर हम जो है एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि शहर और हैदराबाद और ऑल ओवर इंडिया के हालात क्या है। जिस तरीके से अभी जो है कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, हम जिनके नामा ले रहे हैं उन्होंने रास्त बैठ के पर्सनली, अगर मैं एक कैंडिडेट का नाम बोलूं जो तौसीफ अब्बास है, वो बैठ के जो है माधवी लता मैडम के जो है ऑफिस में बैठ के बता रहे हैं उन्होंने, ये मेरा खून है, वो जो है असदुद्दीन ओवैसी को जो है मेरा वोट जाता, वो आपके भूलने पर, ये एक सीक्रेट आंसर मैं दे रहा हूँ। तो मैडम को, ऐसे लोगों को जो है एक मच्छी जहाँ होती तो पूरा तालाब खराब होता। तो उन्होंने प्रभारी हैदराबाद रहकर जो है और अफसर पाशा स्टेट प्रेसिडेंट रह के उन्होंने खंडवा डालने को जो है दूर हट रहे हैं, टोपी पहन के उन्होंने, भाई आप जहाँ पर है पार्टी तो फिर दिल खोल के दिल को से काम करो जिस तरीके से हम काम करें। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बैठ के जब डैमेज किया जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है, उन्होंने कर रहे हैं वो, और उसकी जिम्मेदारी आगे उनके ऊपर होंगी। तो आप बीजेपी ज्वाइन करे थे तो आप दिल खोल के करे थे? हाँ बिल्कुल, हमारे मर्जी से करे थे जी। अभी आप जो है दिल खोल के एमआईएम में आए हैं। उस वक्त जो लोग हमको कोऑपरेट कर रहे थे वो लोगों के नामा भी है, वो बराबर हमको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो, उनसे हमको प्रॉब्लम है, उनको और जो है ये तौसीफ अब्बास से हमारे को प्रॉब्लम है। नहीं, अभी आप एमएम ज्वाइन हुए तो दिल से आए हैं या किसी की जबान से आए? हमारे दिल से आए बता रहे हैं हम जो है हमको जो है कुछ एश्योरेंस दिया गया डेवलपमेंट के ताल्लुक से, पुराने आने वाले वक्त में जो है जो काम में है पेंडिंग है उसको भी जो है नज़र रखेंगे, नज़र उस पर डालेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जैसा बीजेपी में रह के जो है लड़ाई लड़े उसी तरीके से आगे जो है हायर अथॉरिटीज़ को, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब को हों दो या अकबर साहब को हों दो, किसी को भी होने दो, बराबर हम जो है नॉलेज में लेंगे, बराबर जो है फेस करेंगे। पिछले दिनों ये कहा गया था कि आपके घर के ऊपर 3-3 भगवा झंडे लटक रहे हैं, क्या वो निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब आज जब हम खंडवा निकाल दिए तो झंडा रखना क्या जरूरी है हमारे को? तो आप उस जगह पे एमआईएम का झंडा लगाएंगे? एमआईएम का झंडा लगाएंगे, पतंग भी लगाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको एमआईएम ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे को बहुत बड़ी खुशी हुई है, हमारे हसबैंड जो है चांदमार मार्केट के हैं, यहाँ पर जो है बीजेपी में ज्वाइन थे, अब जो है एमआईएम में जाने के बहुत बड़ी खुशी है हमारे तकरीबन जो है काम कराने के तौकात है हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आसिफ, मेरा नाम आसिफ है, चांदमार डिस्ट्रिक्ट से। हसबैंड की हमेशा कोशिश रही कि जो ना आवाम के लिए कुछ करें, तो हर बार जो है ना कुछ एक पार्टी में जाकर कुछ पब्लिक का कुछ काम हो जाए, पार्टी का जो कुछ जो है ना काम हो जाए। बीजेपी में बहुत सारी कोशिशें करे हसमत भाई की जो ना हमारे काम कारोबार हैं यहाँ पर बहुत। तो सर आपका ये कहना ये है कि बीजेपी पार्टी में जाके हसमत भाई जो काम करना चाह रहे थे आवाम की खिदमत वो नहीं हो सकी, इसके लिए उन्होंने आवाम की खिदमत के लिए एमआईएम को ज्वाइन करके, यानी कि एमआईएम इनका साथ देगी और इन्हों की खिदमत करेगी इंशाल्लाह। आसिफ साहब से भी हमारे को बहुत पूरा तवक्कु है और इंशाल्लाह ताला जो है ना हम जब से हो संभाले एम एम गोड़ लेते हुए और इंशाल्लाह ताला जो है ना आगे भी चलते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे, बस उनका सपोर्ट चाहिए हमारे काम कारोबार के लिए। अशमत भाई बहुत सारी कोशिशें करें, इतने सारे कोशिशें करें, बस कई लोगों से जो है ना बहुत भीड़ भी हो गई, यानी कि आपकी पहले से ख्वाहिश थी कि वो एम एम में काम करें, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, खुश है, पूरी मार्केट खुश है हमारी। शुक्रिया। आज जितने हमारे तमाम दुकानों वाले हैं, जितने मकाना जिसके है उनकी सबकी ख्वाहिश थी कि अशमत भाई एमआईएम बॉडी में आ जाएगा। और कोई है यहाँ पे मार्केट के लोग? ये मार्केट के हमारे जितने दिख रहे हैं अभी पूछो मार्केट के, अभी तकरीबन ये टाइम हो गया तो जी आप बोलिए। मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद है, मैं जो है बीजेपी पार्टी में जो है ना स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर था मैं। आज हम लोग जो है बीजेपी छोड़ने की वजह यही है कि
तेलंगाना स्टेट के जो माइनॉरिटी मोर्चा के अफसर पाशा साहब है वो जो है ना पार्टी के लिए काम करने नहीं दे रहे, और तौसीफ अब्बास साहब भी जो है ना पार्टी के लिए बिल्कुल काम करने के लिए नहीं दे रहे। हम लोग जो है जुनूनी लोग हैं, काम करने के जुनून हम लोग, ना हमारे मौत का डर है ना कोई चीज़ का डर है, बस हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करने का शौक़ है हमारे को जो है ना। 2007 से मैं एज ए सोशल वर्कर काम कर रहा हूँ, और जो है हशमत भाई 21 साल से जो है ना पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैं जब कॉलेज में यंग जब 2007 में था ग्रेजुएशन में, तो जब से मेरे को शौक है ये पब्लिक की खिदमत करना बोले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बीजेपी ज्वाइन करने की भी वजह यही थी कि हम जो है ना हिंदुस्तान में डेवलपमेंट का काम करेंगे बोले। इसीलिए हम हैदराबाद के शहर के अंदर जो है ना बीजेपी खुल के ज्वाइन करें और बीजेपी के लिए दिल लगा के काम करें। और बीजेपी में चंद ऐसे लोग हैं अफसर पाशा, मौसीफ अब्बास और कई लोग हैं जो पार्टी को जो है ना अंदर से इंटरनली जो है डैमेज कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे असद साहब जो है ना हमारे असद साहब की तरफ से जो है ना ये आया इन्विटेशन आया कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, हम जो है ना आपको खुल के काम करेंगे, आपको जितना डेवलपमेंट के लिए जो जो चाहिए हम लोग बराबर आपकी जो है ना मदद करेंगे, आपके साथ ठहरेंगे बोल के असद साहब हमको जो है ना ये यकीन दिलाया, तवक्को दिलाने से हम लोग जो है ना आज जो है MLA 4 जुल्फ़िकार साहब भी जो है ना आज आके जो है ना हमको बोले कि आप लोग जो काम करना चाह रहे हैं करिए, हम लोग आपके साथ है बोल के। तो हम लोग जो है ना आज बीजेपी जो है ना छोड़ के आज जो है ना MIM ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह हम लोग जो है ना हिंदुस्तान में इनकलाब लेंगे इंशाल्लाह। MIM का नाम जो है ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है ना नाम लेके देंगे इंशाल्लाह। असद साहब का, अकबर साहब का नाम हमेशा जो है ऊँचा रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के करम हमको जो है ना हम सिर्फ काम का शौक है, दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ पब्लिक खिदमत करना हमारा शौक है। यानी कि अब आपको यकीन हो चुका है कि बीजेपी कोई डेवलपमेंट नहीं ला सकती है, इसके लिए आप लोगों ने बस क्योंकि जो है ना पार्टी के लोग कुछ जो है ना नहीं लाना चाह रहे हैं, तो कहाँ से आएंगे बोलिए आप, जो पार्टी के जो सीनियर्स है वो कुछ नहीं लाना चाह रहे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट। तो हम जो है ना ये सोचिए कि जो है ना हम कुछ MIM ज्वाइन करना है, क्योंकि हमको जो है ना तवक्कु मिल गया, असद साहब से ही मिला, अकबर साहब से ही मिला, और जो है ना पार्टी के सीनियर लीडर से, और स्पेशली जो है ना जुल्फिकार साहब से जो है ना हमको ये मिला। इंशाल्लाह हम जो है ना उनके बात पे जो है ना रहेंगे, और इंशाल्लाह पब्लिक के लिए खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया है।